गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, वीडियो 12th में हम क्या लिए थे? प्यारी बिटिया लिए थे, और आज वीडियो 13th में है, लेसन नंबर 14, साहसी सुनीता। बच्चों, साहसी सुनीता ये नाम कैसे पढ़ा? साहसी सुनीता को, क्योंकि वो धैर्य से रेलगाड़ी को पटरी के टूटने से बचाई थी। वहाँ के लोगों को, यानी जो रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, ऐसे लोगों को वो जान बचाई, इसलिए उसका नाम साहसी सुनीता है। तो उसी तरह से आप लोगों भी साहसी सुनीता की तरह धैर्यवान बनना चाहिए। ओके बच्चों, आज उसी पाठ को आज लेंगे। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको साहसी सुनीता का। तो यहाँ पर सुनीता अपनी माँ के साथ क्या कर रही है? घास का गठरी जो रहती है उसे लेकर वो पटरी को लांगना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र एकाएक टूटी हुई पटरी पर गिरी। यहाँ पर देखेंगे आज इस पाठ को। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ माँ भी थी, यानी सुनीता की माँ थी। रास्ते में रेल की पटरी थी, वहाँ से रेलगाड़ी के निकलने का समय हो गया था। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई। तो दोनों आ रहे थे, उसी समय सुनीता की नज़र टूटी हुई पटरी पर पड़ी, और उसे देखते ही पटरी को, टूटी हुई पटरी को देखते ही वो क्या हो गई? डर गई। और उसकी माँ भी देखी, अरे ये तो टूटी हुई पटरी है, अब क्या होगा? ट्रेन तो नज़दीक आ रही थी, अब ट्रेन अगर टूटी हुई पटरी पर गए तो क्या होता मालूम है ना बच्चों? संघटना हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, ट्रेन गिर सकती है, हजारों लोगों की जाने जा सकती है। तो इस तरह से बिचारी माँ और बेटी दोनों किए, और किसी तरह से गाड़ी को रोकने का विचार कर रहे थे। तो उसी समय तभी सुनीता की नज़र रेल की पटरी पर पड़ी, उसे वह पटरी टूटी हुई लगी थी। सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, ये पटरी तो टूटी है। दोनों इधर उधर देखने लगे, रेलवे स्टेशन भी वहाँ से दूर था, अब कैसे जाना, रेलवे स्टेशन मास्टर को कैसा बोलना, अब ये तो बहुत दूर थी। अब उसी तरह से वो लोग दोनों कुछ प्लान करने लगे कि किस तरह से गाड़ी को हम रोक सकेंगे। तभी सुनीता ने रेलगाड़ी को आते देखा, वहाँ होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप फूटी। बच्चों, कांप फूटना यानी डरना। तभी उसे एक उपाय सूझा, तभी उस समय क्या हुआ, उसे एक प्लान आया, क्या कि उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। बच्चों, जब आप लोग ट्रैवल को देखते हैं रोड के ऊपर, तो उस समय तीन बत्तियां रहते हैं, येलो, रेड और ग्रीन। जब ग्रीन रेड बत्ती आती है तब सब वाहन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और ग्रीन बत्ती आते ही वाहन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता है ना बच्चों। तो उसी तरह से ये प्लान जब सुनीता को आई, तो उन्होंने फौरन अपनी लाल चुनरी को क्या करी, लहराने लगी, दिखाने लगी, ताकि रेल में बैठे लोग कोई तो भी एक किसे देख सके। तभी उसने एक उपाय सूझा, उसको, किसको? सुनीता को। उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं, वाहन यानी जो बस, मोटर कार वगैरह रहते हैं ना बच्चों, उसे, और वह पटरी के पास जाकर अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। माँ भी दोनों हाथ उठाकर रुकने का संकेत करने लगी। रुकने का संकेत बोले तो संकेत यानी इशारा करना, और को ठहरो ठहरो करना, कौन? सुनीता की माँ, किसको? रेलगाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। गाड़ी चालक ने लाल कपड़े को लहरा था, और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर सोचा जरूर कोई गड़बड़ है। तभी सुनीता की लाल ओढ़नी और उसकी माँ के दोनों हाथों को ठहराने का संकेत को देखकर गाड़ी चालक ने सोचा, अरे वाह, कोई इधर यहाँ पर हमें रुकवा रहा है, इशारा कर रहा है, जरूर यहाँ कोई गड़बड़ होगा। इस तरह से चालक ने गाड़ी को स्लो करने लगा, और वो धीरे 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 पटरी के पास आके समीप रुक गई। उसने गाड़ी चाल धीमी कर दी, थोड़ी दूरी पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी चालक, गार्ड तथा कुछ लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए। वो लोग देखे ना, गाड़ी को रोक दिए। गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी चलाने वाला चालक और गार्ड और गाड़ी में बैठने वाले मुसाफिर लोग, यानी कौन बैठे थे गाड़ी में? यात्री लोग बैठे थे ना, हजारों की संख्या में लोग थे, सभी नीचे उतर आए। अरे गाड़ी क्यों रुकी?
तो इस तरह से देखने के लिए नीचे उतर आए। जब भी ये लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए और सुनीता ने कहा देखिए सर यहाँ पर पटरी टूटी पड़ी हुई है। जब वो लोग देखे पटरी को, अरे वाह ये तो पटरी टूटी हुई है, बहुत अच्छा किया बेटी आपने तो हमारे जानों को बचा लिया। तो इस तरह से सुनीता की तारीफ वहाँ के लोग करने लगे, चालाक गार्ड और गाड़ी में बैठने वाले लोग सभी सुनीता की वाह वाह करने लगे। एक छोटी सी बच्ची हजारों लोगों की जानों को बचाई है। तो इस तरह से बच्चों का जो साहसीपन रहता है वो हमें दूसरों के सामने दिखाना चाहिए। बच्चों आप भी इस तरह से आपकी जो साहस है उस साहस को आप उसी से आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, आप भी कुछ आगे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, कामयाबी के मार्ग पर जरूर आएंगे। तो इस तरह से उस समय उनकी पटरी देखकर चालक ने कहा सुनीता की सूझबूझ से, उसके प्लान से, उसके विचारों से हजारों लोगों की जान बच गई। सभी यात्रियों ने दोनों के साहस की प्रशंसा की। दोनों के साहस यानी किसके, सुनीता और उसके उसकी माँ की प्रशंसा करना है, तारीफ करना। सुनीता को इस साहसी कार्य के लिए 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया। बच्चों इस तरह से सुनीता को क्या दिया गया था, भारत सरकार ने इंडिया गवर्नमेंट लोग क्या करे उसको पुरस्कार यानी एक इनाम दिया गया, जिन्होंने साहस से आज हजारों लोगों की संख्या लोगों की जानों को बचाई है। समझ में आया बच्चा? तो इस तरह से अच्छा नाम और अच्छा काम, यानी नाम किससे बढ़ता है बच्चों, अच्छे काम से बढ़ता है। तो इस तरह से सुनीता की तरह अच्छे काम, साहसी से काम, धैर्य से काम, निडरता से काम करो, तभी अपना नाम ऊंचाई में पहुंचेगा। पता नहीं आपके नसीब में भी अगर गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार की तरफ से इनाम दिया जाए जा सकता है ना। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे काम करो, साहस से काम करो और अपना नाम कमाओ। तब समझ में आया बच्चों? यहाँ पर मैंने मीनिंग्स लिखा है, उस मीनिंग्स को अच्छी तरह से आप लोग नोटबुक में डायग्राम के बाद इसको लिख लीजिए और उसके बाद में नोट्स आपको फोटो द्वारा पहुंचा दूंगी। समझ में आया? ओके बच्चों, और लेसन का नंबर आपको आगे पीछे होगा टेक्स्ट बुक्स में, न्यूज़ टेक्स्ट बुक्स में लेसन के नंबर सारे आगे पीछे होता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप लेसन के नाम की तरफ ध्यान दो, उसके हिसाब से आप लिखना शुरू करो। समझ में आया?